संडे बाज़ार में आलू भाई हमारे साथ हैं, इसका भी चैनल है अस्सलाम वालेकुम, वो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप लोगों को। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी हमारी वीडियो, और लोग रिक्वेस्ट आई आज पूरी करने की कोशिश करेंगे और स्टार्ट करते हैं वीडियो, आप लोगों का टाइम ज़्यादा नहीं करते। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, GLI टोयोटा करोला GLI 2016 का मॉडल, सिर्फ बोनट इस गाड़ी का शावर है, बाकी पूरी गाड़ी ये जेन्युइन है, बम्पर टू बम्पर, सिर्फ बोनट से इस गाड़ी का शावर मिलेगा। लारे में लगे हुए अच्छी कंडीशन में और टायरों की कंडीशन में तकरीबन 60 से 70% तक नज़र आ रही है। बॉडी वाइज गाड़ी में कोई काम नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में, और सीटों में भी लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल है, और बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से। तो काफ़ी लोग मुझे GLI की जो रिक्वेस्ट कर रहे थे यार, GLI 1.3 या 1.6 सेट करें, तो गाड़ी जैसे जैसे मुझे मिलती है तो इंशाल्लाह मैं ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ दिनों से मैं नहीं आ पा रहा था वीडियो पे यूट्यूब पे, क्योंकि थोड़ा काम था इस वजह से, बाकी अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ कार संडे बाज़ार में, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा जितनी भी आप लोग रिक्वेस्ट आई पूरी करूँ। तो अंदर की साइड देख सकते हैं दरवाजे बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं, डोरियाँ वगैरह जो होती हैं चेक करने वाली चीज़ें होती हैं, बाकी देख सकते हैं शॉपर वगैरह लगी हुई अभी तक सीटियों में, और तो इंजन से कुछ इस कंडीशन इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल साफ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में, और GLI 1.3 2016 का मॉडल है, सिर्फ इस गाड़ी का बम्पर शावर्ड है, बाकी पूरी गाड़ी ये जेन्युइन है। बंद कर, सर क्या डिमांड करें इसकी? 23 लाख। 23 लाख कम ही पेश हो जाएगी अगर आपसे कोई कॉल करके आप तक करे तो? ठीक है, टैक्स वगैरह सब पेड है? टैक्स पेड है, 2020 तक का टैक्स पेड है, बाकी 2021 तक। ठीक है, कितना चली हुई है गाड़ी तक? 1,27 चली हुई है, 1,27,000 किलोमीटर गाड़ी ये चली हुई है, और कोई काम इससे में या कहीं और सस्पेंशन में? काम नहीं, ऑल टू ऑल गाड़ी जेन्युइन है। ठीक है, फैमिली यूज़ पे। ठीक है, नंबर बता दीजिए अपना। 0310 0310 1168 1168 539 539। क्या नाम है आपका? अहमद नवाज भाई, कहाँ की लोकेशन है अगर भी आपसे गाड़ी? हमारी लोकेशन औरंगी टाउन की, सेक्टर 11.5 औरंगी टाउन सेक्टर 11। ठीक है, तो बाइक लोकेशन और नंबर मैं ऐड कर दूंगा स्क्रीन पे, अगर किसी भी बाइक कोई गाड़ी चाहिए तो इसकी गाड़ी गाड़ी के बारे में कोई मालूम चाहिए तो बाइक से कॉन्टेक्ट करके आप ले सकते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुजुकी वैगनर और 2016 का मॉडल है, 1270 भाई डिमांड कर रहे हैं गाड़ी के, इसके दो या तीन पीसेस गाड़ी के टचअप हैं, बाकी पूरी गाड़ी ये जेन्युइन है, हल्के गोल्डन कलर में, और टायरों की कंडीशन तकरीबन 70% से 80% तक गुड नज़र आ रही है। बाकी टायरों की कंडीशन इस वजह से मैं बताता हूँ कि ताकि आप लोगों को पता होना चाहिए, जो गाड़ी मैं वीडियो में दिखाना चाह रहा हूँ उसकी जो टायरों की कंडीशन है वाजी नज़र नहीं आती वीडियो में, तो मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ कि कंडीशन किस तरह से। बाकी गाड़ी साफ़ सुथरी है, नीट एंड क्लीन कंडीशन में, बॉडी वाइज कोई काम नहीं है, गाड़ी साफ़ सुथरी है, बिल्कुल लुक लाइक बिल्कुल न्यू, और नॉर्मल जो स्टेपनी टायर हैं जो कंपनी वाले वही लगे हुए हैं, और मैं देख सकते हैं डोरियाँ वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में, बाकी साइड से देखते हैं नॉर्मल टाइप सिस्टम वगैरह लगा हुआ है इसमें, डैशबोर्ड बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में, मैनुअल में है VXR, और जो इसके हैंडल वाले हैं VXL में जो होते हैं वो, तो इंजन रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से है। बस बंद कर दें। अबे छोटी वाली है बोतल। क्या डिमांड करें सर इसकी? इसके मांग रहे हैं 1230। 1230, अच्छा जी, कमी पेश हो जाएगी रेट में अगर आपसे रब्ता करें तो? ठीक है, नंबर बताइए सर अपना। 0330 0330 22 22 44 15 15 09 09। क्या नाम है आपका? रिजवान भाई। इसकी जो कितनी गाड़ी चली हुई है रनिंग, कितनी हुई गाड़ी? 87,000 ओरिजिनल चली हुई है, कोई काम का इंजन में ऐसे में कहीं कोई काम नहीं है, पेपर अगर कंप्लीट है हर चीज़। ठीक है, टैक्स वगैरह पेड इस गाड़ी का? हाँ, फर्स्ट ओनर गाड़ी। ठीक है सर, कहाँ की लोकेशन है सर? ये ब्लॉक 21 लखीवन की तरफ। क्वेश्चन है, ठीक है सर, बाइक लोकेशन और बाइक का नंबर मैं ऐड कर दूँगा स्क्रीन पर, अगर आप किसी बाइक कोई गाड़ी चाहिए तो बाइक से कॉन्टेक्ट करके मज़ीद डिटेल ले सकते हैं आप। शुक्रिया। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, सुजुकी कल्टा से 2007 का मॉडल है, गाड़ी बाहर से शावर्ड है, अंदर पूरी गाड़ी है जेन्युइन है, तो बॉडी वाइज इस गाड़ी में काम नहीं है, जितनी भी गाड़ियाँ मैं दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी बॉडी में कोई काम ना हो वो गाड़ी मैं आप लोगों को दिखाऊँ। तो इसमें अलार्म लगे हुए हैं, टायरों की कंडीशन तकरीबन 60% से 50% के आसपास गुड है,
तो बैक साइड से आप देख सकते हैं गाड़ी को, सुजुकी कल्टस VXR सिल्वर कलर में। तो दरवाजों की कंडीशन बिल्कुल साफ़ सुथरी है, जिससे कि मैं आप लोगों को चेक करा रहा हूँ। और लेदर का इंस्टॉल है इसके अंदर, नॉर्मल साउंड सिस्टम इस गाड़ी में लगा हुआ है, सुजुकी कल्टस VXR। बाकी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छी गाड़ी दिखाऊँ जिसमें कोई कामकाज ना हो। अगर रेट वगैरह की बात करें तो रेट थोड़ा बहुत ज़्यादा हुए हुए गाड़ियों के, इस वजह से लोगों को हर गाड़ी के रेट भी ज़्यादा लग रहे होंगे। बाकी जैसे ही हम लोग वीडियो बनाते जा रहे हैं, जिस तरह भी हम लोग कोई गाड़ियों के रेट मतलब कम होते हैं, तो इंशाल्लाह वो वीडियो भी आप लोगों को जल्द मिलेगी। तो इंजन रूम से कुछ इस तरह से 3 सिलेंडर में देख सकते हैं आप लोग, EFI इंजन है जो तकरीबन 2008 में 2007 के एंड में आया। ये नॉन EFI है, 3 सिलेंडर वाला इंजन, और एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है। गाड़ी साफ़ सुथरी, नीट कंडीशन में, बाकी बोनट वाइज बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में गाड़ी है। बाकी स्टेयरिंग साइड में आप लोगों को दिखा देता हूँ, उसके बाद प्राइस वगैरह क्या है वो भी आप लोग बता देता हूँ। तो डैशबोर्ड इस गाड़ी का बिल्कुल साफ़ सुथरा है, बाकी LCD वगैरह लगी हुई है इस गाड़ी में, मैनुअल ट्रांसमिशन में। बाकी पूछ लेते हैं भाई से, CNG पेट्रोल वगैरह सब वर्किंग में है कि नहीं। क्या डिमांड कर रहे हैं सर इसकी? 625 बोल रहा हूँ सर। 625 कमी पेशी हो जाएगी रेट में अगर आपसे रब्ता करें तो? जी कमी पेशी हो जाएगी रेट में अगर आपसे रब्ता करें? फाइनल 6 में छोड़ दूँगा। ठीक है, फाइनल 6 में छोड़ेंगे। टैक्स वगैरह सर पेड इसमें? नहीं, टैक्स 2018 वो पे करके देंगे आप अगर कोई लेगा तो, या पे वही रेटों में लेगा तो पे कर। ठीक है, पेपर वगैरह सब कम्प्लीट है? जी सब। अच्छा, इंजन में ऐसे में कहीं काम काज वगैरह कुछ भी नहीं? ठीक है, CNG पेट्रोल सब वर्किंग में? ठीक है, वो CNG पे चला रहा हूँ। अच्छा, पेट्रोल पे AC वर्किंग में? ठीक है, नंबर बता दीजिए अपना। 0316 2131 3067 6777। क्या नाम है आपका? जहांजेब। जहांजेब, तो जहांजेब पर कहाँ की लोकेशन है? ये 11B। 11B की तरफ से? ठीक है सर, 11B की तरफ से लोकेशन है बाइक की, ऐड कर दूंगा स्क्रीन में, नंबर भी ऐड कर दूंगा। किसी बाइक को चाहिए तो भाई आप गाड़ी परचेज कर सकते हैं, 2007 VXR। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, Daihatsu Core 2003 का मॉडल है, और 2003 का मॉडल है Daihatsu Core, और गाड़ी टचअप है, पूरी गाड़ी शावर नहीं है, देख सकते हैं आप लोग। बाकी टायरों की कंडीशन भी तकरीबन 50% तक का ये गाड़ी की गुड है। गाड़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी कंडीशन में है, और इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है। तो बारह लेते वक्त फिर भी आप लोग गाड़ी को चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड है इस गाड़ी का, देख सकते हैं साफ़ सुथरी कंडीशन में है। बाकी इस गाड़ी की CNG AC पेट्रोल के बारे में जो भी है मालूम वो भाई से ले लेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को पूरी गाड़ी ये विज़िट करा दूँ। पानी दिख गया। हाँ, तो बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से, सात लाख या चार लाख। तो इंजन रूम से गाड़ी को जिस तरह से, इंजन रूम से बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन कंडीशन में देख सकते हैं आप लोग। 2003 है Daihatsu Core, कोई एक्सीडेंटल गाड़ी नहीं है, बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन में। बहरहाल इसकी प्राइस भी बहुत मुनासिब है, और अगर आप लोग चाहिए तो भाई से आप परचेज कर सकते हैं गाड़ी। क्या डिमांड करें सर इसकी? भाई सेकंड ऑनर है, कैंसिल बुक मिस है, बाकी हर चीज़ क्लियर है। डिमांड हमारी 4,35,000। जो कैंसिल बुक मिस है इसका कोई इशू तो नहीं है? कोई इशू नहीं है, FIR और अखबार कटिंग लगी हुई है, करंट बुक मौजूद है हमारे। अच्छा, नाम पर है, हर चीज़ क्लियर है। 4,35,000 की डिमांड है, फुल एंड फाइनल 4,10,000 में देंगे। 4,10,000 में देंगे। नंबर बता दीजिए अपना। नंबर बताओ। 0345 3677 666 क्या नाम है? आदिल। तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, 2017 VXR, और पूरी गाड़ी जेन्युइन है, सिर्फ इसके बम्पर वगैरह हैं जो वो टचअप हैं। ज़ाहिर सी बात है कराची है, तो इतना टाइम गुजरने के बाद बम्पर वगैरह टचअप होंगे। बाकी साइड में से हल्की सी खराशें नज़र आ रही होंगी आप लोगों को, और अलार्म लगे हुए हैं। टायरों की कंडीशन तकरीबन 70% तक गुड है। तो गोल्डन कलर में जो कि मेरान 2017 VXR।
तो बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से। तो मेहरान की मुझे जितने भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं मेहरान की रेट क्या है, तो मेहरान ये थोड़ा सा मुझे मुनासिब लगी थी, इस वजह से ये ऐड कर रहा हूँ मैं। तो सीटों में जो है लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल्ड है। तकरीबन 48,000 किलोमीटर कुछ चली हुई है गाड़ी साफ। बाकी इंजन रूम से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो इंजन रूम से कुछ इंजन रूम बिल्कुल साफ सुथरा, जैसे लुक लाइक न्यू। क्या डिमांड कर रहे हैं इसकी? 17 मॉडल है, VXR है, AC वर्क है। ठीक। और डिमांड 7,85,000 है, फाइनल 7,60,000 में। कितने ओनर में ये? ये सेकंड ओनर में। ठीक है, नंबर बता दीजिए। 0345 2222 0233 ठीक। तो ये 2017 का मॉडल है, इसकी प्राइस भी सही है काफ़ी। जो मार्केट में मैंने गाड़ी देखी है जो थोड़ा मुनासिब लगी मुझे, अगर आप लोग लेते हैं तो भाई से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, नंबर स्क्रीन पे शो हो जाएगा। बाकी ये गाड़ी भी है इनके पास, अगर ये गाड़ी चाहिए तो आप लोग ये भी ले सकते हैं। गाड़ी दोनों मुनासिब प्राइस में है और मैं इसको पर्सनली जानता हूँ। अच्छे का मॉडल, बाहर से पूरी गाड़ी शावर्ड है और अंदर से पूरी गाड़ी ये जेन्युइन है। और ये गाड़ी जो बाहर से जितनी भी कंडीशन आपको नज़र आ रही है सिर्फ शावर्ड है और अंदर से पूरी गाड़ी ये जेन्युइन है। बाकी लेते वक्त फिर भी आप गाड़ी को चेक कर सकते हैं, टायरों की कंडीशन तकरीबन 80% तक गुड है। बॉडी वाइज गाड़ी में कोई काम नज़र नहीं आ रहा, अगर काम कोई नज़र आता भी है तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगा कि गाड़ी में ये काम है। बैक साइड से गाड़ी कुछ इस तरह से। और अंदर की तरफ से देखते हैं गाड़ी अंदर से क्या कंडीशन है। तो अंदर से भी गाड़ी से ही कंडीशन है, माशाल्लाह कोई स्क्रैचेस नहीं है और साउंड सिस्टम भी है, बूफर वगैरह इंस्टॉल्ड है। एसी सीएनजी चालू है, गैस ठीक है, एसी सीएनजी पेट्रोल वर्किंग में है। गाड़ी अंदर से माशाल्लाह साफ कंडीशन में है। तो डैशबोर्ड से गाड़ी कुछ इस तरह से। बाकी इंजन रूम की तरफ बढ़ते हैं, इंजन रूम की क्या कंडीशन है। छत से भी गाड़ी सही है, खोलें। तो इंजन रूम से गाड़ी कुछ इस तरह से। और थोड़ा बहुत जंग है यहाँ पे, लेकिन ये मुख्य ग्रेट नहीं है। बाकी पट्टी की साइड भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। एसी सीएनजी पेट्रोल वर्किंग में है, 2006 का मॉडल है, सुजुकी एल्टो। डिमांड क्या है भाई से पूछ लेते हैं, डेक्स वगैरह के बारे में पूछ लेते हैं भाई से। अच्छा, इसके दरवाजे पावर करवाए हुए हैं जी? पावर है। ठीक है, वर्किंग में है चारों? चारों वर्किंग। ठीक है, क्या डिमांड कर रहे थे? डिमांड तो 5 लाख कर रहे हैं। अच्छा, लास्ट पे 480। 480 में आप दे देंगे, ठीक है। नंबर बता दीजिए अपना। 0300 0300 290 290 360 360 3। क्या नाम है आपका? शहराज भाई। कहाँ की रिहाइश है? ये सुपर हाईवे पे, सब्जी मंडी के पीछे। अच्छा, सुपर हाईवे जंजालगोट की तरफ ही रहा है। ठीक है सर, टैक्स वगैरह सब पेड है? सब क्लियर देंगे। पेपर वगैरह सब कंप्लीट है? सब कंप्लीट। कोई काम का जिससे मैं आ कहीं? सब क्लियर है। कोई काम का जिससे मैं आ? काम माम कुछ भी नहीं है भाई, साफ सुथरा गाड़ी है। सही नंबर बता दिया आपने जी? ठीक है, 0300 दोबारा बताइए। 0300 290 360 3। ठीक है, इसका मॉडल है 86 का है, पाकिस्तान में 93 पे रजिस्टर है गाड़ी। अपने इंजन में है, 1300 cc और ऑटो में। बाहर से गाड़ी है टचअप है, पूरी गाड़ी है शावर नहीं है। और मुझे काफ़ी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार 86 की वीडियो बनाएं, जैसे मुझे गाड़ी नज़र आ जाती तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बना देता हूँ। बाकी इसके टायरों की कंडीशन में तकरीबन 70% तक गुड नज़र आ रही है मुझे। बाकी लेते वक्त फिर भी आप लोग गाड़ी को चेक कर लें, ये बात मैं हर बार वीडियो में इस वजह से दोहराता हूँ कि कुछ लोग मुझे कहते हैं कि यार आपने जो गाड़ी दिखाई थी वो हमने लोगों ने रियल में देखी तो गाड़ी अच्छी नहीं लगी। तो जाहिर सी बात है, आप लोग अगर पैसे भरते हैं तो रियल में गाड़ी देखें, पसंद नहीं आती तो ठीक, नहीं आती तो आप छोड़ दें। बहरहाल जिस तरह की कंडीशन मुझे गाड़ी की मिलती है मैं उस तरह से आप लोगों को गाइड करने की कोशिश करता हूँ।
तो गाड़ी के दरवाज़ों की बात करें तो डेरिया में बिल्कुल साफ़ सुथरी कंडीशन मिल जाती है, हल्की फुल्की रस्ट है, ज़ाहिर सी बात इतना पुराना मॉडल है, बाकी लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल है इसके अंदर, नॉर्मल टाइप सिस्टम जो होता है इसका गाड़ी का लगा हुआ है, और जो विंडो हैं वो इसकी पावर हैं, और ये ऑटो ट्रांसमिशन में गाड़ी ओरिजिनल अपने इंजन में जो 1300 सीरीज का आता है। बाकी अंदर से भी एक बार विज़िट करा दूँ, पहले मैं आप लोगों को इंजन की जो कंडीशन है वो दिखा दूँ, वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है। तो फ्रंट से गाड़ी देख सकते हैं आप लोग, तो ये पट्टी है, ये एक्सीडेंटल नहीं है, बोनट से भी गाड़ी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। और अभी चलते हैं ओनर की तरफ और पूछते हैं क्या डिमांड करें इसकी और कितने में छोड़ेंगे गाड़ी। और जो डैशबोर्ड देख सकते हैं आप लोग, बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन कंडीशन में। एसी वगैरह वर्किंग है इसका? जी भाई, ठीक है। सीएनजी भी है इसमें? एसी सीएनजी पेट्रोल वर्किंग में है, और पावर स्टेयरिंग में, ऑटो ट्रांसमिशन में। क्या डिमांड करें सर इसकी? 4 लाख। 4 लाख रुपये डिमांड करें, कोई कमी बेशी हो जाएगी अगर आपको कॉल वगैरह आए तो? 380 में दे देंगे, ठीक है। पेपर वगैरह सब कम्प्लीट है? अच्छा, टैक्स वगैरह सब? सब के लिए, ठीक है सर। नंबर बता दीजिए अपना। 03 03 15 15 87 87 14 14 838 838। क्या नाम है आपका? फैजान नाम। फैजान, फैजान में कहाँ की रिहाइश है? हमारी डालमिया। डालमिया की रिहाइश है। कोई काम काज तो नहीं है इसमें या कहीं और गाड़ी में? नहीं नहीं, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे सामने भी गाड़ी खड़ी है, मरगला है, 95 का मॉडल है, और ब्लैक कलर में बाहर से गाड़ी समझो कि 80% तक शावर्ड है, 20% तक मतलब छत और डिग्गी इसकी जेन्युइन है, बाकी ये गाड़ी शावर्ड है, ब्लैक कलर में है। और गाड़ी में बॉडी वाइज तो कोई काम नज़र नहीं आ रहा मुझे, और काफ़ी लोग मुझे मरगला की रिक्वेस्ट कर रहे थे, यार मरगला की जो रिव्यू करें, तो लायरिम लगे हुए हैं इसमें, और 80% से तकरीबन के 70% तक टायरों की कंडीशन भी गुड नज़र आ रही है मुझे। बाकी जो गाड़ी की जो इंजन की क्या कंडीशन है वो भाई से पूछ लेंगे, एसी सीएनजी पेट्रोल वर्किंग में है क्या नहीं है वो भी भाई से पूछ लेंगे। बाकी गाड़ी ये जो बाहर की जो कंडीशन है, बाहर से कोई काम काज नज़र नहीं आ रहा मुझे, बाहर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन कंडीशन में है, लायरिम लगे हुए हैं, अच्छी हालत में गाड़ी है। और दरवाज़ों की जो डोरियाँ हैं वो भी माशाल्लाह साफ़ सुथरी कंडीशन में है, और लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल है इसके अंदर, टैप सिस्टम इसके लगा हुआ है नॉर्मल वाला, जो पावर में है विंडो इसकी। बाकी इंजनों की तरफ बढ़ते हैं, इंजनों में देखते हैं इसका अपना इंजन जो होता है, और लुकियों की साइड है वो भी साफ़ सुथरी, कोई एक्सीडेंटल नहीं है। बहरहाल लेते हैं, फिर भी आप लोग चेक कर लें, एसी वगैरह तो लगा हुआ है, बहरहाल देखेंगे, पूछेंगे भाई से अगर ऑन है तो वो भी आप लोगों को पूरी डिटेल दे देंगे। बोनट वाइज भी गाड़ी साफ़ सुथरी है, बोनट से भी मतलब कोई काम नज़र नहीं आ रहा, वैसे मेंटेन की हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या डिमांड करें सर इसकी? इसके मांग रहे हैं 4.25। 4.25 मांग रहे हैं, तो कमी पेशी हो जाएगी अगर आपसे कोई रब्ता करे तो? बिल्कुल फाइनल होंगे, 4 फाइनल हो जाएंगे, ठीक है। डेक्स वगैरह सब पेड है? बिल्कुल पेड है। अच्छा, कोई काम काज गाड़ी में, इंजन में, कहीं इससे में, कहीं और? देखिए पुरानी गाड़ी है, इसमें जो अभी जिस हालत में खड़ी हुई, हमने तो कोई काम नहीं छोड़ा, बाकी जो लेते अभी हैंड में आपके हाथ में कोई काम नहीं, गाड़ी में तो कोई काम नहीं, ठीक है सर। 95 क्या डिमांड? ठीक, टैक्स वगैरह सब पेड है इसका? सब पेड। नंबर बता दीजिए सर अपना। 03 14 03 14 2987 2987 836 836। क्या नाम है आपका? अब्दुल बाकी। अब्दुल बाकी, कहाँ की लोकेशन है सर? दस्तगीर की, ठीक है सर, थैंक यू। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सुजुकी बोलवान 2017 का मॉडल है, फुल जेन्युइन है, बम्पर टू बम्पर, और गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल जमजो के न्यू जैसी है, और कोई काम बॉडी में तो है ही नहीं, मतलब कि न्यू लुक हो गया तो समझो कि कोई काम की बात ही नहीं बनती। तो वाइट कलर में आप लोगों के सामने चमचमाती हुई कंडीशन में, और टायरों की कंडीशन तकरीबन 80% तक साफ़ करी है, बैक साइड से कुछ इस तरह से ये गाड़ी, और साइडों में से कुछ इस तरह से, और अंदर की तरफ से मैं आप लोग विज़िट करा देता हूँ अंदर से क्या कंडीशन है गाड़ी की। तो अंदर देख सकते हैं आप लोग, सीटों पर लेदर कवर वगैरह इंस्टॉल है, बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन कंडीशन में, नॉर्मल जो ओरिजिनल हालत में होती है उसी तरह है, कोई मेंटेन मतलब ये नहीं करवाई हुई अपनी तरफ से, जो फैंसी सीटें लगवाई होती हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सीटों पे हल्का फुल्का जो कवर वगैरह होता है वो इंस्टॉल करवाया हुआ है, और छत साइड बिल्कुल साफ़ सुथरी, नीट एंड क्लीन कंडीशन में। बाकी भाई से पूछ लेते हैं इसकी डिमांड और कितने में फाइनल छोड़ेंगे, टैक्स वगैरह पेड है क्या, पूरी पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या डिमांड करें सर?
9:20 डिमांड कर रहे हैं। अच्छा कमी पेशी हो जाएगी आपसे रब्ता करें तो? फाइनल 9 तक देंगे। फाइनल आप 9 तक दे देंगे, ठीक है। टैक्स वगैरह सब पेड है। कितने ओनर में गाड़ी है? फर्स्ट ओनर। कितना चली हुई गाड़ी है? ये चली है 20,432 किलोमीटर चली हुई है, ठीक है सर जी। नंबर बता दीजिए अपना। 0333 333 93 93 0204 0204। क्या नाम है आपका? आरिफ। आरिफ भाई कहाँ की लोकेशन है? यहीं की, सरजानी। सरजानी की लोकेशन है, ठीक है सर। तो गाड़ी आरिफ भाई के पास होती है, अगर किसी भाई को चाहिए गाड़ी आप भाई से खरीद सकते हैं। नंबर मैं दे दूंगा स्क्रीन पे, बाकी डिटेल गाड़ी के बारे में जो भी आप कॉल करके ले सकते हैं। शुक्रिया। आज की वीडियो तो यहीं तक, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग पसंद आओगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन के बटन भी दबा दें। अली भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और विंड की वीडियो बहुत अच्छी होती है, पूरी वॉच करना, इसको फिलहाल वॉच टाइम की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने रेस्टर क्या लगेगा गाँव में या देखिएगा।